दोस्तों, फिल्म की बात करें तो ट्रेलर को मैं बार बार देख रहा हूँ। ये सच बात है कि इस ट्रेलर को मैं बार बार देख रहा हूँ, जिस फिल्म का नाम है बोल राधा बोल। इस फिल्म में जो प्यार दर्शाया गया है ना, बकरी और खेसारी लाल दो का, ये सच में देखने लायक बनता है। और इस फिल्म का जो लास्ट में एंडिंग में ट्रेलर में जो दिखाया है, वो बहुत ही दर्दनाक दिखाया गया है। और इसके चलते इस फिल्म को, मुझे लगता है कि फिल्म को सिनेमाघरों में ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता है। और देखते हैं किस में कितना है दम। चलिए, 4 घंटे का ऑफिशियल रिपोर्ट लेकर आए हैं। हालांकि मैं अब आप लोगों के बीच कंपैरिजन नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, ये लास्ट वीडियो है जहां पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि 4 घंटे में पवन सिंह का एक फिल्म आया था, जिसका ट्रेलर टीम फिल्म पर रिलीज हुआ था, हमार स्वाभिमान। और फिल्म बोल राधा बोल, जिसको आज ही वेब म्यूजिक पर रिलीज किया गया है, उन दोनों फिल्मों का 4 घंटे का ऑफिशियल रिपोर्ट आप लोगों के बीच दिखा रहा हूँ। और आप लोग देखिए और बताइए कि किस में कितना है दम और कौन बाजी मार लेगा इस छठ में। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं सबसे पहले पवन सिंह का दिखाता हूँ। हमार स्वाभिमान को देखिए कि 4 घंटे में 1 लाख भी व्यू नहीं हुआ था। जबकि बात करते हैं हम लोग खेसारी लाल दो का, बोल राधा बोल फिल्म का, 4 घंटे में आप लोग अपने स्क्रीन में देखिए कि 3 लाख क्रॉस हो चुका है, 68,000 से ज़्यादा लाइक मिल चुके हैं और लगातार कमेंट भी मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो खेसारी लाल दो के सामने पवन सिंह नहीं टिक पाए हैं। जबकि बात करें कल इंटरव्यू की, देखा जाए विजय कुमार यादव का, तो डायरेक्ट साफ साफ शब्दों में एक ही बात बोल रहे हैं कि देखते हैं किसमें कितना है दम। तो इस बार खेसारी फैंस, पूरा भोजपुरिया फैंस, देखते हैं कि कौन बाजी मार लेता है, बोल रहा था बोल या हमार स्वाभिमान। और ये 4 घंटे रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए।